ओके सर, आपको पता है जब से आपका हमने वीडियो देखा है ना, एक मुझे सॉन्ग याद आ रहा है। जी, इरशाद इरशाद, सुनाइए हाँ, सुनाइए दिल सुनाइए। है कि मानता नहीं, जब से सर मैंने आपका ट्रिक देखा ना, सही बता, दिल नहीं जी मान रहा है, मन कर बिल्कुल रहा दिल ही बिल्कुल देखूं। तो कुछ ऐसा आज धमाकेदार ट्रिक बताइए कि मुझे और देखने का मन करे। जी, बिल्कुल। बिल्कुल एक सर, धमाकेदार ट्रिक आप देखिए, एक ऐसा ट्रिक जिसमें सभी तरह का मल्टीप्लाई हमने लिया है। इसके बाद एक और होने वाला है, मैं दिखाने वाला हूं, पर पहले इतना हो जाए। आप बिल्कुल देखिए कैसे झटकों में, वो बोलते हैं ना कि झटके में कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप सीखेंगे यहां। देखिए बहुत सारा मल्टीप्लाई लिए हैं, सभी के सभी टाइप के हमने लिया है। देखिए कैसे एक झटके में सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर लिए हैं 234 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रिक तो मैं सिखा दूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, और पहले से जुड़े होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये आज का एक संडे स्पेशल है। आज का जो क्लास है वो संडे स्पेशल है। आज का क्लास देख लीजिए, संडे स्पेशल आज का क्लास है। देखिए कैसे झटके में सॉल्व होगा वो देखते चलिए। देखिए कैसे होगा, यहां पर सॉल्व करने का 11 से गुणा करना है सर। देखिए सीखिए, चार है तो चार लिख देंगे, फिर चार और तीन दोनों को जोड़ देंगे तो चार तीन मिलकर सात, फिर आगे बढ़ जाएंगे पीछे से एक छोड़ देंगे, तीन और दो पांच, और लास्ट में दो है तो दो। देख लीजिए कैसे झटके में हो गया। एक और देखिए, यहां भी यहां चार है तो चार लिख देंगे, चार और छह 10 का जीरो, एक कैरी ले लेंगे पीछे से हटा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, छह और एक सात हुआ, सात और एक 8 हुआ, और अंत में 1 है तो 1 हुआ, एक झटके में हो गया। यहां देखिए जब भी 99 हो, 999 हो, 4 times 9 हो, इस तरह का अगर गुणा करने को आ जाए तो इसको भी एक झटके में उड़ा देते हैं। देखिए कैसे उड़ाते हैं, क्या करेंगे कि इसमें 9 है, 9 है, क्या करेंगे कि 9 9 में 9 का एक स्क्वायर कर देंगे। 9 है दोनों जगह, 9 9 है तो 9 का एक स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा, 81 होगा। अब क्या करेंगे, जो 9 में गुणा कर दिए तो एक 9 बच गया, तो एक स्थान यहां एक स्थान यहां दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस एक में से एक घटा देंगे तो यहां 0 आएगा, इस 8 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये आपका आंसर रहा, देख लीजिए कैसे झटके में हो गया। यहां देखिए, यहां 9 का एक स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 9 है तो दो जगह यहां और दो जगह यहां, दो जगह छोड़ देंगे। इसमें भी वही काम, एक में से एक घटाएंगे तो 0, यहां भी 0, 8 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 यहां 9 यहां। ये आपका आंसर रहा, देखिए कैसे झटकों में हो गया। यहां सीखिए, यहां भी वही बात है, यहां 9 का एक्सवायर करेंगे तो 81 लिख देंगे, 3 9 बच गया तो तीन जगह 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इस एक में से एक घटाएंगे तो 0, यहां भी 0 यहां 0, इस 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 यहां 9 यहां 9 यहां। देखिए कैसे झटके में हो गया, एक झटके में हो गया। हमको सर एक याद आ रहा है दो शब्द, बिल्कुल सर कहिए, कि कहते हैं कि कोशिशों की वो तरकस वो हर जिंदा रख, है ना, कोशिशों की तरकस वो हर जिंदा रखो, अरे हार जाओ सब कुछ जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, ऐसे होता है करते हैं। बिल्कुल देखिए, यहां भी वही काम करेंगे, यहां भी वही टेक्निक लगने वाला है। देखिए 3 है तो 3 का एक्सक्वायर करेंगे तो 9, लेकिन 0 9 लिखेंगे डबल अंक में, यहां 81 आ रहा था डबल अंक में तो 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां 3 का एक्सक्वायर करेंगे तो 9 लिखेंगे, लेकिन 0 9। अब बच गया 1 3, दो एक स्थान यहां एक स्थान यहां। अब क्या करेंगे, इस 9 में से घटाएंगे तो 8, इस 8 में एक जोड़ेंगे तो 1, ये आंसर रहा। यहां देखिए, यहां 3 का एक्सक्वायर करेंगे तो 9, लेकिन 0 9, 2 3 बच गया तो दो जगह यहां 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 यहां। अब क्या करेंगे, इस 9 में से घटाएंगे तो 8, यहां 8, 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 यहां 1 यहां, ये आंसर रहा। देखिए कैसे झटके में हो गया। अब वो कंडीशन आती है कि 9 9 रहे लेकिन इधर कोई दूसरा अंक रहे, जैसे यहां था यहां 9 था यहां 9 था तो हो गया था, लेकिन ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि यहां 9 9 रहे यहां कोई और अंक रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 9 9 ही क्यों आ रहा है, कोई और अंक आए, वो भी आने वाला है, वो भी इसके बाद आने वाला है। फिलहाल ये सीखिए कैसे करेंगे, तो यहां पर 9 से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे कि 24 में क्या करेंगे कि 24 में से एक कम कर दें, 24 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 23 होगा, कितना होगा, 23 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, ये आंसर रहा। देखिए कैसे झटके में हो गया। ये सब ट्रिक बहुत ही बेहतरीन होता है। यहां देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां 236 से 236 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो
छह होगा, नौ में से पांच घटाएंगे तो चार होगा, ये आपका सॉरी नौ में से छ पांच घटाएंगे तो चार, सही है, ये आपका आंसर रहा एक झटके में। आगे देखिए, यहां पर समझिए, यहां ट्रिपल नौ है, यहां पर डबल डिजिट है, यहां पर जो संख्या जितना था उतना यहां दिखे, जैसे यहां डबल डिजिट यहां भी डबल नौ, यहां ट्रिपल डिजिट यहां भी ट्रिपल नौ, लेकिन यहां डबल डिजिट अब आ गया ट्रिपल नाइन, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले ही ट्रिपल डिजिट में बना देंगे अपने से। अब क्या करेंगे, इस चौवन में से घटा लेंगे तो कितना होगा, तिरपन हो गया, आ जीरो है तो जीरो लिख देते हैं, नौ में से जीरो घटाएंगे तो नौ, नौ में से पांच घटाएंगे तो चार, नौ में से तीन घटाएंगे तो छः, नौ में से तीन घटाएंगे तो छः, ये आपका आंसर रहा। देख लीजिए कैसे एक झटके में हो गया, जो कहते हैं ना एक झटके में वैसे हो रहा है। एक और देखिए, ये पूरा का पूरा आज स्पेशल संडे क्लास लेकर मैं लेकर आया हूँ, और देखिए समझिए ये कैसे एक झटके में हो रहा है, और आपको एक बार में अगर समझ में ना आया हो तो ये वीडियो YouTube पर ही रहेगा, कभी भी पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ क्या है कि एक 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 है, फिर यहाँ ट्रिपल वन है, ट्रिपल वन से गुणा करना है, ये भी बहुत ही आसान होता है, एक से लेकर तीन तक लिखा गया है, एक दो तीन, तो लिख दीजिए एक दो तीन, और फिर यहाँ से घटते क्रम में, तीन से छोटा दो, दो से छोटा एक, ये रहा, देखिए कैसे एक झटके में आंसर हो गया। यहाँ देखिए एक दो तीन चार लिखा गया है, चार बार एक, तो लिख देंगे एक दो तीन चार लिख देंगे, और चार से छोटा लिख देंगे तीन, तीन से छोटा दो, दो से छोटा वन, ये रहा आंसर, देख सकते हैं। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जहां पर संख्या सेम दिखाई देगी और किसी एक संख्या से गुणा करना होगा, तब कैसे करेंगे एक झटके में, क्या करेंगे कि यहां पर हम गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, तो छह में चार से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, छह में चार से गुणा करेंगे तो छह चौका चौबीस लिख देंगे, छह चौका चौबीस लिख देंगे, और दो चार है तो दो स्थान, छह में चार से गुणा करेंगे तो चौबीस अलग अलग लिख देंगे, बीच में जगह जो छोड़ेंगे तो जो जितना चार बच गया उतना जगह, क्योंकि ये चार से तो ये छह में गुणा हो गया था, तब बच गया दो चार, तो दो जगह, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, चार और दे दो कितना हुआ, चार और दो छः हुआ, यहाँ भी छः हुआ, ये आंसर रहा। देखिए कैसे झटके में हो गया, यहाँ भी देखिए सात और पाँच में गुणा करेंगे तो पैंतीस को अलग अलग लिख देंगे, बच गया तीन सात, तो तीन जगह छोड़ देंगे, और पांच और तीन जोड़ देंगे तो कितना होगा, आठ आठ आठ, ये रहा आंसर। देखिए कैसे एक झटके में हो गया, और आप देख सकते हैं सर की, हाँ बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि कैसे एक झटके में आप करते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे एक झटके में आपके सामने हुआ, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आई, और इस तरह बच्चे अगर करते हैं तो उनको भी फायदा होने वाली है, बस देखते रहिए। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे बताते हैं, इसमें हमारे उपेंद्र सर दो शब्द बोलेंगे और सुनिए इनके मार्फत कि कौन सा इनके जुबानी ट्रिक पढ़ के मुझे एक शायरी याद आता है, और आप लोग के लिए भी एक मोटिवेशनल है जी, कि जो इंसान पानी से नहाता है सर, जी सर, जो इंसान पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास होता है, जी सर, जी सर, और मेहनत से नहाता है ना, जी, तो पसीने से नहाता है जी, वो इतिहास बनाता जी, है, बिल्कुल। उम्मीद है कि आप पढ़ के इतिहास बनाइएगा, जी जी बिल्कुल। और बताइए, देखिए सर, देखिए फिर से ट्रिक लेकर मैं आया हूँ, और यहाँ देखिए कि ये भी बहुत ही बेहतरीन है, देखने में बहुत कठिन लग रही है, लेकिन आप चुटकियों में उड़ाएंगे, यकीन मानिए एक झटके में उड़ा देंगे सबको। देखिए कैसे है, आप कैसे बनाएंगे समझिएगा बात। यहाँ देखिए 106 है, यहाँ 104 है, ये 100 से कुछ संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो कहिएगा 6 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 106 में 4 जोड़ दीजिए, चाहे 104 में 6 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 110 आएगा, आप ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े, दोनों कंडीशन में 110 आएगा। अब क्या करेंगे, जो 6 और 4 जोड़े इसको गुणा कर दिए तो 6 चौका कितना होगा, 24 हो गया, ये आपका आंसर आ, देखिए कैसे एक झटके में हो गया जी। देखिए यहाँ देखिए एक 100 से कितना अधिक है, तो कहेगा 8 अधिक है, यहाँ पर 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब क्या करिए 108 में 12 जोड़ दीजिए, चाहे 112 में 8 जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन में 120 होगा, उसके बाद 12 में 8 से गुणा करेंगे, 12 8 है कितना होता है, 96 होता है, यहाँ पर ये आंसर रहा। देखिए कैसे झटकों में हो जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी वही बात है, यहाँ 100 से अब कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 माइनस कर देंगे, ये 7 कम है 100 से, तो 7 माइनस कर देंगे। अब देखिए या तो 93 में से 4 घटा लीजिए, नहीं तो 96 में 7 घटाइए, दोनों कंडीशन में 89 मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 89 मिलेगा। अब क्या करेंगे, 8 4 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौका कितना होता है, 28 होता है, ये आंसर रहा। देखिए कैसे झटके में हो गया, यहाँ देखिए यहाँ 100 से कितना कम है, 2 कम है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। अब क्या करेंगे,
97 में से दो घटा दें या 98 में से तीन घटा दें, दोनों कंडीशन में 95 होगा। उसके बाद तीन और दो में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। लेकिन 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर ना डबल डिजिट में रखना है। हाँ, 3 × 6 होगा, लेकिन 0 6 लिखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 28 डबल डिजिट में था, यहाँ भी डबल डिजिट में आ रहा था, यहाँ भी डबल डिजिट में। तो जब भी सिंगल डिजिट आए ना तो उसको डबल बनाएंगे, पहले 0 लिखकर, ठीक ना। आगे देखिए, अच्छा एक कंडीशन ऐसा आएगा कि मान लीजिए ट्रिपल डिजिट आ गया तो अभी डबल रखना है। हाँ, तीसरे वालों को इसमें कैरी के रूप में आगे बढ़ा देंगे, ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी वैसा ही है, बस अंतर है कि ये संख्या 200 के पास है। ये 200 से कितना अधिक है तो कहेगा 3 अधिक है, 3 जोड़ देंगे। ये 200 से कितना अधिक है, 8 अधिक है तो 8 जोड़ देंगे। बस क्या करेंगे, अब 203 में 8 जोड़ देंगे, कितना होगा, 211 हो जाएगा, 211 हो जाएगा। बस एक काम इसमें और करना है कि संख्या ये 200 के पास है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, बस बस एक ही काम और करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 24, बस अब जोड़ गुणा कर दिए। 211 में 2 से गुणा करेंगे तो 422 हो जाएगा, ठीक है। और 24 है तो 24, देखिए कैसे झटके में हो गया। यहाँ देखिए ये संख्या 200 से कितना अधिक है तो कहेगा 5 अधिक है तो 5 जोड़ देंगे। ये संख्या 200 से कितना अधिक है, 9 अधिक है तो 9 जोड़ देंगे। अब 205 में 9 जोड़ेंगे या 209 में 5 जोड़ेंगे, दोनों कंडीशन में 214 होगा, ठीक है। अब चूंकि संख्या 200 के पास है इसलिए 2 से गुणा करेंगे और 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। बस अब एक ही काम और करना होता है, एक ही स्टेप बस गुणा कर देना होता है। और ये गुणा करना बड़ा आसान होता है, 14 में 2 से गुणा कर दे 28 हो गया, और 2 में 2 से गुणा कर देंगे 4 हो गया, बगल में 45 है तो 45 लिख देंगे और ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे, देखिए ठीक है सब, ठीक है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर 200 से कितना कम है, 7 कम है तो 7 माइनस कर देंगे। यहाँ 200 से 8 कम है तो 8 माइनस कर देंगे ऐसे। उसके बाद 193 में से 8 घटा लीजिए, नहीं तो 192 में से 7 घटा लीजिए, दोनों कंडीशन में 185 आएगा, ठीक है। 185 आएगा, संख्या 200 के पास है तो 2 से इसमें भी गुणा और 8 में 7 से गुणा कर देंगे तो 8 × 7 = 56। बस एक काम और करना है, गुणा कर दिए, 5 × 10 18 × 36 और 37 हो गया, और बगल में 56 है तो 56 ये आपका आंसर रहा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 100 से कितना कम है, 182 तक कहिएगा 18 कम है तो 18 माइनस कर देंगे। ये 200 से कितना कम है, सॉरी 200 से कम है 18, यहाँ 200 से कितना कम है तो कहिएगा 9 कम है तो 9 माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, 191 में से 18 घटा लें, नहीं तो 182 में से 9 घटा लेंगे। तो अब देखिए कैसा आएगा, यहाँ पर एक मार्कर ले लेते हैं, यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, 182 में से 9 घटाइए तो 12 में से 9 हो गया तो 3, यहाँ 17 हो गया। और क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 18 में 9 से गुणा करेंगे, 18 × 162। अब क्या करेंगे कि इसमें गुणा कर देंगे, 3 × 6 और 17 × 34 और बगल में 162 है तो 162। यहाँ वही बात आ गई जो यहाँ पर हम सिखा रहे थे कि जब ट्रिपल डिजिट आए तो तीसरे वाले को कैरी के रूप में आगे बढ़ा देंगे। तो कैरी के रूप में आगे बढ़ाएंगे तो 346 में एक कैरी होगा तो 300 हो जाएगा 47 और बगल में 62 है तो 62। इस वन को इसमें कैरी के रूप में दे दिए, देखिए कैसे झटके में हो गया, आप समझ गए होंगे, ठीक ना। आगे देखिए, यहाँ देखिए ये कैसे गुणा होता है, सिंपल यहाँ पर गुणा लिया गया है कि अगर कोई आपका सिंपल ऐसे गुणा हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल गुणा करने का भी तरीका है, 4 में 8 से गुणा करेंगे 8 होगा, फिर क्रॉस गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे, क्रॉस गुणा करके मतलब 2 × 4 और 4 × 3 = 12, 12 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला, 12 और 4 16 लिख देंगे, एक कैरी दे देंगे, 3 × 6 और 1 = 7 हो गया ये आंसर। यहाँ देखिए यहाँ भी वही काम, देखिए 2 × 4 हो गया, इसमें गुणा करके दोनों को ऐड कर देंगे, 3 × 6 और 4 × 8, 8 यहाँ से 6 यहाँ से, 8 × 6 = 14 एक कैरी, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यहाँ से 12 और 1 = 13 हो गया ये आंसर रहा। देखिए 1344, यहाँ एक स्पेशल मल्टीप्लाई ये होता है, इसको भी इस रूप में कर सकते हैं, इसके जैसा ये भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इसको करने का एक और तरीका है। सबसे आसान तरीका है कि देखिए ये जोड़, ये आपका इधर वाला संख्या क्या है, समान है, इधर वाला संख्या क्या है, समान है, इधर जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 × 24 और ये 5 जोड़ देंगे, 6 × 24 और 5 = 29 रहा ये आंसर रहा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, दोनों समान है, यहाँ भी वही बात था, दोनों क्या था, समान था, और यहाँ दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो जब भी एक तरफ संख्या समान हो और एक तरफ जोड़ने पर क्या है 10 आ जाए,
तो हमको बनाने का तरीका क्या है कि 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 हो जाता है, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 16, 16 और 8 हो जाता है 24, 16 और 8 कितना होता है 24। ऐसा कंडीशन दे दे तो ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे, जिस तरह ये बन रहा था इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल कुछ इस तरह का अंक नहीं था, यहाँ कुछ स्पेशल अंक है, डिजिट है। कैसे, ये राइट साइड में संख्या समान है और लेफ्ट साइड में जोड़ने पर 10 आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर जोड़ने पर 10 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने पर 10 आ रहा है, 6 4 10, और राइट साइड में संख्या समान है तब ऐसे बनाएंगे। एक कंडीशन ऐसा बनेगा जब लेफ्ट साइड में संख्या समान रहेगी और इधर जोड़ने पर 10 आएगा, ऐसे देखिए ना, इधर अब जोड़ने पर 10 आ रहा है और इधर वाला संख्या समान है, उल्टा हो गया इसके जैसा। तो इसको भी बनाने का तरीका है, क्या करेंगे, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 24 का पूरा 24 लिख देंगे, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 24 में 24 पूरा लिख देंगे, और इस 8 में 1 बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 9। तो कैसा लगा ये सेशन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये आपको दिल को छू गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।